शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शाबाश करण। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। कैसे? ये देखकर खुशी हुई कि फौलाद तो जंग नहीं लगा। और कितने इम्तिहान लेंगे आईजी साहब? सोने को ही कसौटी पे कसा जाता है करण। तुम्हें तुम्हारे शहर ने याद किया है। अच्छा, क्या बॉम्बे की पुलिस में अफसरों की कमी पड़ गई है? नहीं, अफसर तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा बहादुर और ईमानदार कोई नहीं। नहीं आजी साहब, अब मुझ में वो आग, वो जोश, वो जुनूनी कहां? क्या किसी की मोहब्बत इतनी ताकतवर हो सकती है कि तुमसे तुम्हारे अंदर जलने वाली आग तुम्हारा जोश और जुनून छीन ले? मौत तो यही बदनाम है, जान तो जिंदगी ले लेती है। करण, मौत से इतनी मोहब्बत क्यों? क्योंकि मौत के पास अंजलि है और तुम्हारे सामने तुम्हारा फर्ज। अंजलि की मौत चंगेज लाला पर तुम्हारा कर्ज है। वो कर्ज तो मैंने कब का चुका दिया होता, लेकिन लाला से टकराने की मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी कि इस वीरान, इस गुमनाम पुलिस स्टेशन में मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। मैं इस पे को अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारे बॉम्बे ट्रांसफर के पेपर मैं खुद लेकर आया हूं। मैं वो शहर वापस कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे फर्ज का वास्ता। नहीं आईजी साहब। तुम्हें तुम्हारे देश का वास्ता। नहीं करण, तुम्हें तुम्हारी अंजलि का वास्ता। आईजी साहब, thank you।
मैं जानता था तुम जरूर आओगे कर। देखो कर, तुम्हें जो भी मदद चाहिए, जूनियर ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स, हथियार, चीफ, सारी की सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे लिए हाजिर है। नहीं सर, मुझे सिर्फ अली चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन अली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अली बागी हो चुका। बागी? तोड़ दो इसको, गिरा डालो। ये अली की तलवार है, इसके एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मां। जिस माए के लाल में हिम्मत है, इसे जरा पार करके तो दिखाए। अगर तुम हमारे काम में रुकावट डालोगे तो मुझे, मेरा मतलब है, हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। करके तो देख साले, जरा मैं भी देखूं तुम्हारे पुलिस फोर्स में अली का जवाब मिला है या नहीं। तू कब आया यार? तूने मुझे खबर तक नहीं दी, मैं स्टेशन आ जाता। कैसा है तू यार? हाँ? करण, नहीं करण, नहीं करण, करण, करण नहीं यार, नहीं नहीं प्लीज करण, सुन करण, नहीं क्यों कर रहा है तू ये सब? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी तलवार बदनाम हो। अली की तलवार ईमान की मुहाफिज है, गुनाह की नहीं। ईमान हो तो ईमान की हिफाजत की जाती है दोस्त। हम दोनों ने जान पर खेल कर चंगेज ताला को पकड़ा था, लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया। कहां था ईमान उस दिन जब अंजनी की कुर्बानी दी गई थी? कहां था ईमान उस दिन जब तेरा तबादला हो गया था? कहां था ईमान उस दिन? चंगेज लाला उस दिन नहीं जीता जिस दिन कानून ने उसे बरी कर दिया, वो उस दिन जीता जब तूने कानून से बगावत की। ईमान उस दिन नहीं मरा जब अंजलि मुझसे बिछड़ कर चली गई या मेरा ट्रांसफर हो गया। ईमान उस दिन मरा जब तेरा जमीर मर गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा तू यार, लेकिन ये सारी बातें हम जैसे जज्बाती नौजवानों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए की जाती है। शहीद हम होते हैं, ईद उनकी होती है। बहुत महान हो गया तू यार, बहुत महान हो गया, लेकिन मैं महान नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता मैं महान। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ, क्योंकि शहीदों के मजारों पर दिए जरूर जलते हैं, लेकिन उनके घरों में चूल्हे तक नहीं जलते। नहीं, किसी और का जुर्म, किसी और की जफा, तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी बेवफाई का बहाना नहीं बन सकती। भूल गया तुम? भूल गया वो दिन जब हम दोनों कितने खुश थे? अले या चल यार, लेट हो रहे हम लोग। आ रहा हूं यार, कमिंग कमिंग। ये वू वू। तू कब बदमाशी छोड़ेगा? कॉलेज के दिन और थे, अब हम पुलिस ऑफिसर हैं। अब भी वक्त की इज्जत नहीं करेगा तो देश का क्या होगा? सॉरी यार, पर तू लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा। वो क्या है कि कल रात को मैं थोड़ा बिजी था। ब्यूटीफुल, क्या बात है, सेक्सी, लेटेस्ट मॉडल लगता है, एकदम फ्रेश है यार। ऊपर वाले ने भी बहुत मजे से बनाया है, नीचे वाले को भी बहुत मजा आ रहा है। काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। गाड़ी? धक्कन, तू गाड़ी की बात कर रहा है? तू लड़की की बात कर रहा है? फिर क्या? अबे तू आदमी है क्या है? तुझे कुछ होता होता है कि नहीं?
अरे कोई अच्छी हो तो कुछ हो ना। अबे छोड़ यार, जिंदगी मजे लेने का नाम है, कुछ देने का नाम है और बहुत कुछ लेने का नाम है। किसी को अपनी मोहब्बत में लूट लेने का नाम है। जिंदगी किसी एक के हो जाने का नाम है, किसी को लूटने का नहीं, किसी पर लुट जाने का नाम है। अबे ओ 1960 के हीरो, चाबी डाल, इग्निशन स्टार्ट कर और चल, देखते हैं जिंदगी किस पर लुटती है और किसे लूटती है। चल यार। इंस्पेक्टर रानी। रानी? हाँ, रानी की लाश आज सुबह समंदर के किनारे कीचड़ में लिपटी हुई पाई गई। आपका शक किस पर है सर? चंगेज़ लाला। चंगेज़ लाला? हाँ, तुम्हारे आने से पहले एक लड़की का फोन आया था, वो हमें इस कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहती है। कहती है वो इस कत्ल की चश्मदीद कबाबी है। लेकिन चंगेज़ लाला और इस कत्ल से उस लड़की का क्या ताल्लुक? उसका कहना है कि वो चंगेज़ लाला की नाइट क्लब में सिंगर और डांसर है। क्या वो चंगेज़ लाला के खिलाफ गवाही देगी? कोशिश करना हमारा फर्ज है। चंगेज़ लाला जैसे मक्कार मुजरिम का नकाब उतारने के लिए हमें ऐसे गवाह की सख्त जरूरत है, वो हमारा हथियार बन सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ही रात को तुम दोनों वहां जाकर उस लड़की को वहां से निकाल लाओ। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैंने तुमसे कहा वो लड़की वहां नाचती है और उसका नाम है अंजलि।
चलो जल्दी इसमें। तो फोन किया था। नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया था। मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। बेटी लेकिन सर, क्या देखा तुमने? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? नहीं, इसे नहीं पहचानती? नहीं नहीं। इन्हें, ये इस इंस्पेक्टर की विधवा बीवी और ये तीन बच्चा है। इनकी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो कि तुम कुछ नहीं जानती। उस रात चंगेज लाला के जन्मदिन का जश्न था। हैप्पी बर्थडे भैया।
अंदर। कम ऑन चलो ना। हमारे लाला का तो जवाब ही नहीं। चंगेज लाला के हाथों में शहर का मुकद्दर है ये तो सारा शहर जानता है, लेकिन चंगेज लाला के हाथों में ये हुनर भी है ये तो शायद हम जैसे कुछ करीबी दोस्त ही जानते हैं। बेशक पिछले 3 हफ्तों में शैतान चौकी पर 3 दुकानदारों का कत्ल, 2 अखबार वाले दिन दहाड़े हाईवे के पास भून दिए गए, तेलक हाई स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रक से उड़ा दिया गया क्योंकि उसने चंगेज के गुंडों को स्कूल में घुसने से मना कर दिया था, ऐसे शानदार हाथ सचमुच तारीफ के काबिल हैं। ठहरो, ये इंस्पेक्टर हमारे मेहमान हैं और मेहमानों की इज्जत करना चंगेज लाला बखूबी जानता है। बंद करो ये मजाक चंगेज, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। तुम्हारी महफिल में आज शहर के तमाम जाने माने लोग इकट्ठा है, अब सबके सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। सबके सामने मेरा असली चेहरा दिखा दो, ये सब मेरे असली चेहरे से वाकिफ है इंस्पेक्टर। क्यों मिश्रा जी, मेरा असली चेहरा जानते हैं ना? हाँ जी हाँ। जोशी जोशी साहब जी, मेरा असली चेहरा यहां सब जानते हैं ना? साहब जी सब जानता हूं, सब जानते हैं इंस्पेक्टर। जोशी तुम भी? हाँ साहब जी ये भी। इंस्पेक्टर ये सब मेरी हर बात से वाकिफ है लेकिन फिर भी चुप है, जानते हो क्यों? क्योंकि जो इनके लिए कोई नहीं कर सकता वो सिर्फ चंगेज लाला कर सकता है। अफसोस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए लाला, मैं नहीं जानता कि ये ऊंचे पढ़े लिखे और इज्जतदार लोग क्यों तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़े हैं, लेकिन एक सर तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा और वो सर मेरा है। जो सर मेरे आगे झुकता नहीं उसे मैं काट देता हूं इंस्पेक्टर। शायद तुम मुझे डराना चाहते हो लाला, लेकिन याद रखना मैंने अपने देश से वादा किया है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जुर्म और तुम जैसे जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी सांस तक? हाँ, तब तो तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। Happy birthday to you, to you. जीती रहो। लाला की महफिल में इतने लोगों में से सिर्फ तुम्हारा ही जमीर जागा, वाह शाबाश बेटी। लेकिन फिर तुम जैसी नेक लड़की एक क्लब में? मजबूरी थी, बहुत कोशिश की लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली, अनाथ हूं खुद का पेट पालने के लिए। आखिर मेरी आवाज ही काम आ सकी। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, हम हमारा फर्ज पूरा करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। क्या वो इंस्पेक्टर आने नहीं रहे? यानी एक ईमानदार बहादुर कानून पर कुर्बान हो जाने वाला कानून का मुहाफिज नहीं रहा? हाउ सैड। उसका कत्ल तूने किया है। मैंने? हमारे पास सबूत है। कैसा सबूत? चश्मदीद गवाह।
इंस्पेक्टर सरकार तो तुम्हें सिर्फ वर्दी देती है, तनख्वाह देती है, लेकिन तुम जैसे इंस्पेक्टरों की बाकी की जरूरतें मैं पूरी करता हूँ। इस जंग की हार जीत का फैसला तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये जंग सिर्फ चंगेज लाला और इंस्पेक्टर करण के बीच नहीं, ये जंग दहशत के निजाम और आवाम की ताकत के बीच है। हाथ बदल जाते हैं, हथियार वही रहते हैं, सीने बदल जाते हैं, आग वही रहती है। ये सिकंदर है, गुनहगारों की दुनिया में इसकी ताकत की मिसाल दी जाती है। मेरा बड़ा वफादार है, कुछ भी करना लेकिन लेकिन मुझे हाथ मत लगाना। जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है उसे चीर कर रख देता। चल, ये रहे एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स, अभी तो मेरे भाई को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। देखा इंस्पेक्टर चंगेज लाला की ताकत, अब रहा सवाल तुम्हारे उस चश्मदीद गवाह का। मामला कोर्ट तक पहुंचने के लिए 25 दिन पड़े हैं, जरा देख कर तो आओ, तुम्हारे उस चश्मदीद गवाह के पास 25 सांसें भी बाकी हैं या नहीं। लाला, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज लीव। दीवारों पर फैला हुआ अंजलि, इसकी कुछ बूंदें तुम्हारे खूबसूरत जिस्म से निकली हुई भी हो सकती थी, लेकिन मैंने अगर तुम्हें इतनी आसानी से मार दिया तो फिर चंगेज लाला के नाम से पैदा होने वाली दहशत के गुण कौन गाएगा? मैं तुम्हें मारूंगा जरूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तुम एक चश्मदीद गवाह को, एक ऐसी लड़की जो चंगेज लाला जैसे मुजरिम के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत रखती है, कानून की हिफाजत से हटाकर कहीं दूर छिपा देना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो तुम? कहिए, ये कानून कमजोर है, नपुंसक है, वो एक मामूली मगर कीमती लड़की की हिफाजत नहीं कर सकता। वो एक मामूली लड़की नहीं है सर, और चंगेज लाला एक जख्मी शेर है जो किसी भी वक्त किसी भी जगह वार कर सकता है, और मैं शिकारी को शिकार तक पहुंचने नहीं दूंगा। करण ठीक कहता है सर, लेकिन ऐसी कौन सी जगह छिपाओगे जहां लाला की ताकत ना पहुंच सके? ऐसी एक जगह है सर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी एक अजनबी आदमी के साथ। 25 दिन और रातें तो दूर, मैं एक रात भी नहीं गुजारूंगी। बेशक वो तुम्हारे लिए अजनबी होगा, लेकिन करण हमारे पुलिस फोर्स का सबसे भरोसेमंद और बलवान पुलिस ऑफिसर है। यहाँ तुम्हारी जान खतरे में है अंजलि, लेकिन करण तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ लाला और उसके आदमी कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और जब कोर्ट की तारीख नजदीक आएगी वो तुम्हें सही सलामत शहर वापस ले आएगा। ना। प्लीज अंजलि, तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। खूबसूरत जगह है ना?
चलो, यहां पर डरने की कोई बात नहीं। रहने दो, मैं ले आऊंगा। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूं। ये क्या है? क्या है? कमरा है। हम कहाँ रहेंगे? यहीं इसी कमरे में। एक ही कमरे में? तुम वहां सोगी और मैं वहां। अब तो 24 दिन और रातें हैं, यहीं गुजारनी है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी मिल। एक तुम ही तो हो मेरे। अब तुम क्या कर रही हो? सुनिए, ये क्या है? ये जाल है। ओ, जाल है। लेकिन ये जाल यहाँ क्यों बिछाया है? क्योंकि मुझे फासले अच्छे लगते हैं। जाल के उस तरफ का हिस्सा तुम्हारा है, जाल के इस तरफ का हिस्सा मेरा। बिना इजाजत तुम मेरे हिस्से में नहीं आओगे। समझ गया। इस जाल से तुमने इस कमरे के दो हिस्से तो कर दिए, मगर हमारे इकलौते बाथरूम का क्या करोगी? हम उसे बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं दिन में 3 बार नहाती हूं, सुबह, दोपहर और रात को। बस 3 बार नहाती हो? शाम को नहीं नहाती? बेचारी शाम। ये लड़की सुबह, दोपहर, रात को नहाती है, शाम को क्यों नहीं नहाती? समझ में नहीं आता। अरे सुनो, शाम को मैं नहा लिया करूंगा। बेचारी शाम। अंजलि, 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 तुम ठीक हो ना? हाथ हटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और मुझे छूने की? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे फासले अच्छे लगते हैं। ये नजदीकी हमारी मजबूरी से, हमारी पसंद से नहीं, समझे? हर एक बात याद रख लो, मैं लड़की हूं मगर कमजोर नहीं हूं। और फिर कभी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझे? ओए, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम डर से कांप रही थी, बिलक रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अगर तुम्हें फासले पसंद है तो मुझे भी तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं। मैं कोई अवारा लफंगा नहीं हूं। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना, समझी? लाला जी, आइए 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 आइए। कैसे हैं आप? आइए आइए, बैठिए ना। अरे कोई बात नहीं आई जी साहब, नई नई जवानी है, गरम गरम खून है, उबलना ही चाहिए। शेर की मांद में शेर को ललकारा नहीं जाता। शेर तो सर्कस में भी नौकरी करते हैं नौजवान,
और जिसका नमक खाते हैं उसके इशारों पर नाचते भी। रुक जाओ वाले, कानून कायदे से चलता है, क्रोध से नहीं। कानून के हाथ लंबे जरूर हैं, लेकिन आजकल इन हाथों में से चूड़ियों की खनकार सुनाई देने लगी है। सर आप मुझे इजाजत तो दीजिए, फिर मैं इसे सुनाता हूँ चूड़ियों की खनकार। बहुत नाज है तुम्हें अपने हाथों पर। हाँ बच्चे, तुम्हारे हाथों के ऊपर और हाथ हैं, और उन हाथों के ऊपर और कई हाथ हैं, और इन सब हाथों की डोर मेरे हाथ में है। मैं डोर खींचूंगा तो कठपुतलियों की तरह तुम्हारे कानून के हाथ दिल्ली से लेकर बंबई तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी चूड़ियां खनखनाते हुए रह जाएंगे। ए लाला, तुम शायद भूल रहे हो कि अंजलि हमारे पास है। और तुम शायद भूल गए हो कि हमारे पास ताकत है। कब तक भागती फिरेगी वो छोकरी इस ताकत से, कब तक?
लाला वो लड़की नहीं मिली, उसे बहुत ढूंढा हमने, कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, उसे उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। तुझे जिंदा जला दूं, ये तो मुमकिन है? शायद इस गर्मी से तुझे एहसास हो कि मेरे सीने के अंदर इस भड़की हुई आग की लपटें कैसे मुझे तड़पा रही हैं। चंगेज लाला के सामने नामुमकिन लफ्ज का इस्तेमाल करके मौत को दावत दे रहा है। आओ नामुमकिन को मुमकिन बनाओ। दीवानी हो गई हूँ। दीवानी शब्द का असर है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है या यूं ही? दिखाऊं? देखोगे? तो फिर देखो। अंजलि 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 डर गए तुम तो डर गए। मैं जानती हूं तुम क्यों डर गए। क्यों? तुम इसलिए डर गए ना कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारी वर्दी पर दाग लग जाता। नहीं, मैं इसलिए डर गया कि कहीं तुम्हारे चेहरे पे कोई दाग ना लग जाए। खुले रहने दो, बाल खुले अच्छे लगते हैं। किससे भाग रही हो? खुद से? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। लाला को जो तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। नहीं नहीं, जिंदगी भर की खुशियां, जिंदगी भर का श्रृंगार, जिंदगी भर के प्यार पर तुम्हारा कोई हक नहीं है अंजलि। भाग जाओ अंजलि। नहीं, भाग जाओ, भाग जाओ। ये मुझे क्या हो रहा है भगवान? क्यों मेरे मन में प्रेम की ज्योत जला रहे हो तुम? क्यों? मत दो मुझे ये पल भर की खुशियों का झूठा दिलासा। मेरे लिए मेरे उम्र भर के आंसू बहुत है। मत खेलो मेरे दिल से, मत खेलो मेरे दिल से।
इसे कहीं देखा है? अब देख गौर से देख, इस लौंडिया को कहीं देखा है? गौर से देख। मैंने नहीं देखा साहब, मैंने नहीं देखा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? चल जाते, पता नहीं सारी को कहाँ छुपा के रखा है। जब तक हम इसे ढूंढ लेते लाला हमारा जीना हराम कर देगा। चलो पीछे देखते हैं। गई थी क्यों गई थी? किससे पूछ कर गई थी? जानती हो अगर तुम्हें कोई पहचान लेता तो तुम्हारा क्या होता? टुकड़े टुकड़े कर देते वो लोग। और मैं, तुम समझती क्या अपने आप को? तुम बोल चुके। अब कहां जा रही हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों? मेरे नहाने का वक्त हो चुका है, प्लीज। तुम हद से ज्यादा नहाती हो। छोड़ो मुझे करण, तुम में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार करता हूं तुमसे? नहीं, तुम झूठे हो। प्यार करता हूं? धोखा दे जाओगे मुझे तुम? कभी नहीं दूंगा। तुम्हीं ने तो कहा था कि तुम्हारे मेरे बीच रिश्ता ही क्या है, सिर्फ हिफाजत का। उम्र भर हिफाजत करोगे मेरी? तुम उम्र भर प्यार करोगे? शायद तेरी
है भाई, अगर जरा सी खांसी से तुम्हारा ये हाल है तो लगने वाली फांसी से तुम्हारा क्या होगा। अदालत की तारीख को सिर्फ 7 दिन बाकी है भाई, और तुम अब तक दुश्मनों का पता नहीं लगा पाए। इतिहास ये नहीं देखता क्या सही था क्या गलत, क्या मुश्किल था क्या आसान, याद तो यही रह जाता है कि कौन जीता और कौन हारा। और फिर तुम्हें हारना तो पसंद नहीं है ना भाई। बहना, तुम ठीक कह रही हो, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। देख रही हो इन छोटी छोटी मछलियों को कैसे तड़प रही है, वो भी ऐसे ही तड़पेगी, ऐसे ही तड़पेगी वो भी। क्यों इतना डरती हो अंजलि? क्या करूं, औरत हूं ना, जिंदगी डर के साए में रहकर जीती हूं। कि जाने कब बेइज्जत कर दी जाऊं, जाने कब जमाने की उंगलियां मेरी तरफ उठा दी जाए। नहीं अंजलि, मैं तुम्हें वो दर्जा दूंगा, वो इज्जत दूंगा जिसके आगे जमाने की उंगलियां कभी उठ नहीं पाएंगे।
मैं तुमसे शादी करूंगा। बांद्रा पुलिस स्टेशन। हेलो अली, मैं करण बोल रहा हूँ। करण, करण, तूने यहाँ फोन क्यों किया? तू जानता है कितना खतरा है। अरे अभी खतरा वतरा कुछ नहीं, सुन, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? किससे? अंजलि से। तू पागल तो नहीं हो गया? तू जानता अदालत में उसकी गवाही के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। मैं कुछ नहीं जानता, तू बस फूलों की माला लेकर पहाड़ी वाले किशन जी के मंदिर पर पहुंच जा। साला, खुद मरेगा दूसरों को भी मरवाएगा। खैर, तू ठहर, मैं अभी आया। हाँ, ओके, बाय। हेलो लाला जी, अंजलि करण के साथ पहाड़ी वाले किशन जी के मंदिर जा रही है और अली को भी वहां बुलाया है। जोशी नहीं लाला, तू ऐसा नहीं कर सकता लाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर उन्हें कुछ हो गया। लाला खुदा की कसम, हार के रखूंगा तुझे लाला, खुदा की कसम तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर उन्हें कुछ हो गया। लाला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, खुदा की कसम। तेरे समंदर मन के अंदर, तेरे समंदर मन के अंदर, ओ मेरे साजन मुझे ले चल मंदिर, मुझे ले चल मंदिर, मुझे ले चल मंदिर, मुझे ले चल मंदिर। जब मन से मन का हो संगम तो मंदिर क्यों जाना, ये रीत पुरानी। जब मन से मन का हो संगम तो मंदिर क्यों जाना, ¶¶
आ गई मंदिर। मैं तो आ गई मंदिर। एक करण वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। अरे मेरा दोस्त लेट लतीफ अभी तक आया नहीं। नहीं आए तो ऊपर होंगे। अरे चलो ना, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, चलो ना दौड़ लगाते हैं, चलो। हार जाओगी। अरे रहने दो, तुमसे हार जाऊंगी। 21वीं सदी की लड़की हूँ, कदम से कदम मिलाकर चल सकती हूँ। ठीक है, 21वीं सदी की लड़की, मैं तुझे 21 कदम की लीड देता हूँ, जा। हो जाए, अब तो और भी बुरी तरह हारोगे, देख लेना। 1, 2, 3, 4 देख लेना जी। 22, 23, 24, 25 रेडी? रेडी। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ? सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूर आगे निकल जाऊं और तुम पीछे देखते हुए रह जाओ। 1, 2, 3 एक मिनट, मैं तो हार गई। अंजलि, अंजलि, शाम के 5 बज चुके हैं, अभी और कितनी देर इंतजार करवाया जाएगा? करण, करण, अंजलि कहाँ है? करण, कहाँ है अंजलि? अंजलि, हाँ, अंजलि मर चुकी है। हाँ, करण अंजलि मर चुकी है। हाँ, नहीं, सुन करण, सुन, नहीं, मेरी बात सुन। नहीं अंजलि, नहीं मर सकी, नहीं मर सकी, नहीं मर सकी, मैं कहता हूँ नहीं मर सकती। हाँ अंजलि मर चुकी है करण, अंजलि कुछ चुकी, नहीं 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 मर सकी करण, नहीं मर सकी, नहीं। लाला, लाला, संगेश लाला की दरखास्त पर गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर राणे के कत्ल के सिलसिले में पुलिस कोई भी गवाह पेश करने में नाकामयाब रही है, लिहाजा अदालत यह मुकदमा खारिज करती है। केस इज डिसमिस्ड। थैंक यू, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। नमस्कार। मुझे हराने चले थे ये नादान बच्चे। चंगेज़।
जैसा तारीफ किया है वो मुझे सदा नहीं दे सकते और कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में इंस्पेक्टर करण चोपड़ा का तबादला कर दिया जाता है. He is transferred from the city of Bombay. ये क्या? मेरा इस्तीफा. इस्तीफा सिर्फ नौकरी से दिया जाता है बरखुरदार, और ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक फर्ज भी है अपने वतन के लिए. यह इस्तीफा सिर्फ नौकरी या वर्दी से नहीं है सर, यह इस्तीफा कानून के उस ढांचे से जो इतना तंग है कि उसमें ईमान का दम घुट जाता है. जानते हो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने दोस्त से हुई नाइंसाफी को आवाज दे रहा हूँ. इस वर्दी के बिना तुम सिर्फ एक मामूली आवारा नौजवान हो जिसकी कोई हस्ती नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई आवाज नहीं. ये वर्दी है तो तुम हो, और ये वर्दी नहीं तुम कुछ भी नहीं. ये वर्दी ही मेरा वजूद नहीं, ये कानून ही मेरी ताकत नहीं. आपको और आपके कानून को ये वर्दी मुबारक. इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर नहीं साहब, सिर्फ अली. खुदाफिज. और मेरे खातिर तूने इस्तीफा दे दिया. नहीं अली, ये जो कानून है इसे हम बनाते हैं, हमें इसकी इज्जत करनी होगी. अगर तुम्हारी तरह हर आदमी ये कानून तोड़ने लगा तो कानून की क्या इज्जत रहेगी? सारा शहर जंगल बन जाएगा. ये शहर जंगल बन चुका है करण. यहाँ पुलिस को जुर्म करने वालों से हर महीने करोड़ों रुपया हफ्ता जाता है, ये सब जानते हैं. और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती कि लोग अपनी हिफाजत के लिए किसी गुंडे, किसी दादा, किसी डॉन के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस के पास नहीं. इसीलिए तेरी और मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं वापस आया हूं. रात जितनी संगीन हो देखिए जरूरत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. चंगेज लाला को उसके गुनाहों की सजा दिलानी है, उसके लिए मुझे तेरी जरूरत है. तू मेरे साथ है? मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूं, और तेरे साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा. इस जाने अरे ए, तेरी गाड़ी रुक गई रे. Angela!
करण क्या हुआ? वो जिंदा है। कौन जिंदा? मैंने उसे देखा है। इसे देखा तूने? अंजलि को। अंजलि जिंदा है। अंजलि मर चुकी है करण। जिंदा हुआ यार, तूने किसी और को देखा होगा। महफिल लगी है यहाँ मोहब्बत करने वालों की, कोई लुटता है तो कोई लूटता ही है, दिलों के खेल में अक्सर कहीं न कहीं शीशा टूटता ही है। अंजलि मर चुकी है करण। नहीं सर, जिस लड़की को मैंने भागते हुए देखा वो अंजलि ही थी। तुम्हारी आंखें धोखा खा गई होंगी करण। दरअसल तुम्हारी आंखें अंजलि को देखना चाहती हैं, इसलिए हर गुजरती हुई लड़की को वो अंजलि बना देती है। आंखें धोखा खा सकती हैं सर, लेकिन दिल नहीं। दिल सबूत नहीं होता करण। सबूत है ये कागजात, ये बयानात, और ये सब साबित करते हैं कि अंजलि अंजलि मर चुकी है। दुनिया जो मर्जी कहे, मैं जानता हूं कि अंजलि जिंदा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंजलि जिंदा है? क्योंकि मैं जिंदा हूं। अगर अंजलि मर गई होती तो मैं भी कब का मर गया होता। कम ऑन करण, मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, कोई शायर नहीं। ये ठीक कह रहे हैं करण, आज नहीं तो कल तुम्हें अंजलि की मौत का सामना करना पड़ेगा। तुम भी अली? करण तुम समझते क्यों नहीं, इस वक्त हमारा मकसद चंगेज लाला है, अंजलि नहीं। तोड़ो इस फार्म को, निकलो बाहर इससे, चंगेज लाला के बारे में सोचो। We have to get that man. सर मुझे अंजलि को ढूंढने दीजिए प्लीज। हम चंगेज लाला तक पहुंचना चाहते हैं ना, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अंजलि तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं तुम जिंदा हो अंजलि, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। करण तो भी यही सोचता है कि जो मैंने देखा वो मेरा वहम है। नहीं, मैं नहीं जानता तूने क्या देखा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सच हो या आंखों का धोखा, जन्नत हो या जहन्नुम, मैं तेरे साथ हूं। तो चल अंजलि जहां भी हमें उसे ढूंढ निकालना होगा, लेकिन चंगेज लालों को इस बात की हवा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन करण, अगर अंजलि जिंदा है तो तुम्हें देखकर तुमसे दूर क्यों भागी? यही तो पता करना है अली, और ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि चंगेज लाला ने अंजलि को कहाँ छुपा रखा। और उस जगह का पता हमें सिर्फ चंगेज लाला के कुत्ते दे सकते हैं। ये चल घूम मेरे चढ़ के पर्दा नंबर पे, लगाओ लगाओ पर्दा नंबर पे। हाय क्या मम्मा है? मम्मी की गल है सुनिए, तेनु घबराने की गल है, मैं तेरे नाल हां। स्वीट पॉपी, मेरे को मेरी मम्मी इससे याद आई कि अगर मेरी मम्मी यहाँ होती ना तो इतने सारे इंडियन मैन को देखकर खुशी से पागल हो जाती। हुई हुई घबराने कोई गल नहीं सुनिए, साडे हिंदुस्तान की जमीन बड़ी फर्टाइल है, तथा एक तो एक सोना बंदा बैठा है। ओह रियली? हिंदी में ले ली। आ रही है घर की। गुड इवनिंग मैम। हेलो बेबी डॉल। हेलो हेलो डैडी फेलो। हेलो हेलो हाथ डालो। हाथ में इतनी ताकत है तो उसमें क्या होगी? बड़ी तकड़ी कुड़ी है, मेड इन जर्मनी, वेरी फास्ट। पापा जी। हाँ जी। ये इम्पोर्टेड माल बिना कस्टम क्लियर कहाँ से ले आए? स्मगल्ड है, स्मगल्ड। कुड़ी बिल्कुल बिंदास है। एक मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, 20वीं औलाद है। 20वीं? हाँ, और $100 के नोट से तो सिगरेट जलाती है। हेलो हेलो। याने की माल है और माला माल भी है। आहो, बिल्कुल ब्यूटीफुल है। चलो लेते हैं। बेबी डॉल। ओह गॉश, यू स्केयर्ड मी। सॉरी, प्लीज जॉइन अस। थैंक यू। You dog. Papa is a shilmiya. Nal, pyar nal, haan. Just sit. Yahan apni tashreef rakhiye. Please sit. Ouch. Thank you, handsome. Mom. क्या आप हमारे साथ शराब का एक जाम पिएंगे? अबे फोमट क्या है? एक ही ड्रिंक पिलाएगा क्या? Oh, no, 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 I'm sorry. Sweet boys. You care, you know, I just love Hindi film dialogues. इसलिए मेरी आवाज कभी कभी वो मोगे मोगी दराना मेरी नाभि से निकलती है। अच्छा?
आपकी नाभि देख सकता हूँ? दिखा दिखा। पप्पी, look at this naughty boy. He wants to see my nabhi. वहाँ से आवाज निकलती है। पापे, सुजी गाड़ी बॉम्बे सेंट्रल से निकल चुकी है, बड़ी तेज गति में है, इंदौर पहुंचने वाली है। इंदौर आ गया। पापे भोपाल की तरफ जा रही है। पापे अब आगरा आने वाला है। पापे आगरा आ गया। पापे दिल्ली दूर नहीं है। पापे ये क्या पकड़ा, तेरा है? अब दोनों में फैसला कर लो कि दिल्ली पहले कौन पहुंचेगा। मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂ ਮੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਹੋ ਆਹੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਲੂ
बेबी डाल, हम दोनों तुमको प्यार की सुई लगाएंगे। मैं की करा? तुझी तो कर चुके पापे, सानू करन दो, तुझी आराम से बैठो। ठीक है। ओ दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। कैद में है बुलबुल, तो याद मुस्कुराए। रानी बन गई राजा, तेरा बच गया बाजा। करण, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। किधर से निकला रे? बता चंगेज लाला कहते कहाँ है? करण, लगता है इनका भी वही करना पड़ेगा जो दीमा का किया था। नहीं अली, गरम गरम सलाखें घुटने के आर-पार करनी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर इनको भी वही ट्रीटमेंट देकर देखते हैं जो गालियां होती थी। साला बोलता ही नहीं था, जुबान खोलता ही नहीं था, मगर फायदा क्या हुआ? काले की काली जुबान काटनी पड़ी। कोई बात नहीं राजा, जुबान की जगह कुछ और काट देते हैं। नहीं। याद है वो कपूर बेचारा आज भी सिग्नल पर खड़े रह के ताली मारता है। बता दूं, बता दूं। तो बता, चंगेज लाला के अड्डे कहां है? आप क्या है, इन दोनों की जमानत हो चुकी है। किसके हुक्म से? चंगेज लाला के। चंगेज लाला तेरी? रुक जा, नहीं ऐसे नहीं, हम दुश्मन को उसी के हथियार से मारेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी के इतने साल एक गुमनाम पुलिस स्टेशन पर गुजारने पड़े। अब देखना यह है कि राख के इस ढेर में अब भी वो चिंगारी है या बुझ गई। शुरू कर देख, पता चल जाएगा। अंजलि की मौत से तुम्हें तकलीफ तो बहुत हुई होगी, बहुत तड़पे होगे तुम। ये कमबख्त मोहब्बत आदमी को जीते जी मार देती है। मोहब्बत ने नहीं, नफरत ने मुझे जिंदा रखा। मैं हर पल अपनी सांसों में नफरत पाल कर जिंदा रहा। तब तो हमारा रिश्ता और गहरा हो गया, क्योंकि नफरत मोहब्बत से ज्यादा गहरी होती है, आदमी को होशियार बना देती है। खुद को देखो, अगर इससे पहले मैंने तुम्हें उकसाया होता तो मुझ पर शेर की तरह लपक पड़ते, लेकिन अब नहीं। जब आदमी अपने गुस्से पर काबू पा लेता है तो ताकतवर बन जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल बात नहीं, अच्छा पता।
बहुत जल्द। कौन था? सिकंदर, लाला का सबसे वफादार। और ये चिट्ठी? अंजलि जिंदा है। अली, जिस दिन मैं अंजलि का पीछा कर रहा था तो इसी सिकंदर ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, और आज यही सिकंदर मुझे यकीन दिलाना चाहता है कि अंजलि मर चुकी है। इसका मतलब वो जिंदा है। लेकिन अगर सिकंदर ये सब जानता तो सबसे पहले वो लाला को बताता, और आज सुबह लाला की बातों से ऐसा तो नहीं लगा कि उसे शक है कि हम जानते कि अंजलि जिंदा है। इसका मतलब यही हो सकता है मेरे यार कि उस दिन सिकंदर का अंजलि के साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं था। यही सिकंदर ऐसा कुछ जानता जो लाला नहीं जानता। यही सिकंदर हमें बता सकता है कि अंजलि कहाँ है, किस हाल में और क्यों जिंदा है। सिकंदर जो तेरी शक्ल तो जानता है, मेरी नहीं। सिकंदर, सिकंदर। पैगाम का तो सिर्फ बहाना था, मिलना तो मुझे तुझसे था। लुटेरे, तो झूठा पैगाम क्यों भेजा? क्या करती, और कोई रास्ता नहीं था। अगर आका को ये पता चल गया तो? हाँ, सोचती हूँ जमाने से कह ही दूँ कि जिसने मुझे लूटा है वो लुटेरा तू ही है। जाओ ये बीती बातें। क्या भूल जाऊं? तुझे भूल जाऊं? सिकंदर, मैं तुझे भूल जाऊं? ये मुमकिन नहीं। अब तू मुझे भूल जाए ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। बंद करो ये बेहुदा बन। ओ, तो अब मेरी बातें भी बेहुदा लगने लगी? बड़ा शरीफ बन गया है तू।
तुझे शराफत का सबक सिखाने वाली वो अंजलि। सिकंदर, जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और आ चुका है, तो खुद को तुम्हें बर्बाद कर ही दूंगी, लेकिन साथ में तुझे भी बर्बाद कर दूंगी और उसे भी तबाह कर दूंगी जिसने मुझसे तेरा दिल चुराने की जुर्रत की। किधर जाएगा? सीधे चलते जाओ। कब तक ऐसा चलता जाएगा साहब? बेलापुर रोड। बेलापुर वो तो जंगल है ना साहब, वहां तो परिंदा पर नहीं मारता, तुम क्या करेगा वहां? शहर से बाहर दाएं हाथ को एक नदी है, नदी से 2 किलोमीटर आगे एक फार्म हाउस है। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, पांव गलत जगह लग गया, गाड़ी रुक गई। फिक्र मत करो साहब, अब गाड़ी नहीं रुकेगी, चलती ही जाएगी। बहुत गर्म है, हॉट। यहाँ पास में गांव है, वहाँ पानी जरूर मिलेगा। हम अभी गया, अभी आया, फटाफट 2 मिनट में गया, अभी आया। आप बैठो ना। सॉरी बॉस, अभी आया। जिस दिल ने तुझको चाहा था, जिस दिल ने तुझको पूजा था, उस दिल को तूने तोड़ दिया, दुनिया में अकेला छोड़ दिया, पर ये
जाने दो मुझे, जाने दो। पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, एक एक पल जीता रहा, मरता रहा, तुम्हें देखने के लिए तरसता रहा। तुम कहती हो जाने तुम, बेवफा। नहीं करण, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं बेवफा नहीं हूं। तो फिर कहां थी, क्यों छुपती रही मुझसे? तुम्हारी आंखों में जो झोंका था वो धूल था करण, ऐसी मेरी तकदीर कहां कि तुमसे बिछड़ कर मुझे मौत मिलती। जब मैंने होश पाया तो मुझे मौत नहीं, एक ऐसी जिंदगी मिली जो मौत से कई बदतर थी। मुझे हैरत तो जरूर हुई होगी, ये पता नहीं मुझे अपने सामने देखकर या खुद को जिंदा पाकर। क्यों भूल गई वो 25 दिन और 25 रातें जब तूने अपने आशिक के साथ छुपकर मेरे होश उड़ा दिए थे? तब तूने ये नहीं सोचा कि चंगेज लाला के साथ बगावत करने का अंजाम क्या हो सकता है? तू कानून के कटघरे में मेरे खिलाफ गवाही देने वाली थी, अब तू जितनी चाहे गवाही दे सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ फैसला कानून नहीं लाला करेगा, और तेरी फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारी बगावत के लिए इतनी मामूली सजा नहीं दूंगा तुम्हें। मैं तो तुम्हें जिंदगी बख्शूंगा, एक ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा छोड़ देता हूँ, जाओ जाओ जाओ। बगावत का अंजाम यही चंगेज लाला का जादू है, अब तुम उम्र भर यही कैद रहोगे। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना दयालु नहीं हूं। तेरे आशिक ने सरे बाजार मुझे चुनौती दी है कि लाला मैं लौटूंगा और तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ये कहने के बाद भी वो जिंदा है, मैं हैरान हूं, और मुमकिन है उसकी मौत के लिए तुम्हारी जिंदगी काम आ जाए, क्योंकि जब तक तुम जियोगी तब तक वो जिएगा। पर ना, नहीं नहीं लाला, नहीं, मैं जीऊंगी, मैं यही इस नर्क में जीऊंगी, तुम्हारा हर जुल्म सहूंगी, मैं अब तक नहीं करूंगी। बस उसे आबाद रखना, उसे आबाद रखना। बहुत प्यार है तुझे उससे, दीवानी है तू, मैं तुझे इस प्यार का बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं तुझे एक ऐसे आदमी के हवाले करूंगा जो तेरे जिस्म से तेरे प्यार को कुरेद कुरेद कर पहुंच डालेगा, जो तुझे मौत से बदतर जिंदगी देगा। सिकंदर, ये रहा तुम्हारी वफादारी का इनाम, इसके साथ जो सलूक करना चाहो करो, लेकिन इतना ख्याल रहे कि ये जिंदा रहनी चाहिए। खबरदार जब तुमने मुझे छुआ, मुझे कमजोर मत समझना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। तू जिएगी तब तक तेरा आशिक जिएगा।
तुम मुझे ये रोटी इसलिए देना चाहते हो ताकि मैं जिंदा रहूं और तुम मुझे लूट सको। तुम मेरी भूख को नहीं अपनी आवाज को रोटी देना चाहते हो, अपनी आवाज को। चीज छुपा रखी है लाला ने, पूरे जिस्म में दर्द ही दर्द भरा हुआ है। आओ 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 सारी ऐसी तू ही करेगा क्या? चंगेज लाला की कैद ही तुम्हारे लिए सबसे महफूज जगह है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम यहां रहोगी तो उसे ये भरोसा रहेगा कि वो तुम्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकता है, और इस भरोसे की वजह से तुम जिंदा रह सकती हो। मैंने समझा था कि तुम एक जानवर हो, लेकिन तुम भी एक इंसान ही हो। बस रास्ता गलत है। जोड़ लिया। मेरी इजाजत के बगैर कोई दूसरी मेरी झूठन पर हक समझने लगे, ये मुझे गवारा नहीं। तूने उस चौकट के बाहर कदम रखने की जुर्रत कैसे की? सिकंदर किसी का झूठन नहीं है।
मैं गरीबी का वो निवाला हूँ जो अमीर के गले में अटक जाए तो उसका हलक चीर के रख दे, और ये मेरे यहाँ अमानत है, इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो ये तेरी आका की अमानत है, लेकिन तू कहीं ये भूल ना जाना सिकंदर कि तू भी किसी की अमानत है, और मेरी अमानत में कोई खयानत करे ये मुझे मंजूर नहीं। मुझ पर सितम ढाता गया और सिकंदर मुझे बचाता गया। उसने चंगेज लाला से, देवयानी से और खुद अपने आप से मेरी हिफाजत की। जिस दिन तुमने मुझे सड़क पर देखा था, सिकंदर मुझे कृष्ण जी के मंदिर लेकर गया था। मैं भगवान से तुम्हारी सलामती की दुआ मांगने गई थी। उस रात भी मैंने ही सिकंदर को पुलिस स्टेशन भेजा था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी तलाश करो। तुम मुझे ढूंढते करण, और लाला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हें लाला की ताकत का एहसास नहीं है करण। तुम्हें चंगेज लाला की ताकत का एहसास था, मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं था। मैं तुम्हारे लिए एक चंगेज लाला क्या सैकड़ों चंगेज लाला का सामना कर लेता। तुम्हें पाने के लिए जमीन का जरा जरा छान लेता। अब तुम्हारे सारे इम्तिहान खत्म हो चुके हैं, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चलो, जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। जिंदगी नहीं, सिकंदर। सिकंदर, ये छोड़ दो उसे, वो मेरे पास आएगी। अंजलि मेरे साथ जाएगी। वो मेरे पास अमानत है, मेरी मोहब्बत है। जिंदगी में जो भी मिला उसने सिकंदर से कुछ न कुछ छीनने की कोशिश की। लोग छीनते गए और सिकंदर देता गया, लेकिन आज नहीं छीनने दूंगा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, किस लिए?
करण, ये दुश्मन नहीं है, दोस्त है। और ये मेरी जिंदगी है। आज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो सिकंदर। मैं अपनी जिंदगी से दूर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। सिकंदर मुझे जाने दो। जाओ। सिकंदर, जाने से पहले मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो। छोड़ दो ये पाप की नगरी, ये गुनाह की दुनिया, नया संसार बसा लो सिकंदर। सुनो, आज मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ उदास देखा, रोते हुए देखा। आज जब जा ही रही हो आखिरी बार, तुम्हें हंसते हुए याद रखना चाहता हूँ। एक बार मुझे अपनी हंसी सुना दो। नहीं। एक बार। सब क्या है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मेरी हालत पर तरस मत खाओ भाई। जरा ये तो सोचो कल तुम्हारा क्या हश्र होगा। क्या मतलब? सिकंदर। क्या किया सिकंदर ने? वो बदल गया है। बहना, तुम एक फालतू कुत्ते की वफादारी पर शक कर रही हो। वो कुत्ता नहीं रहा भाई, वो आदमी बन चुका है। और आदमी बेवफा होते हैं। लेकिन सिकंदर एक वफादार और Don't be a fool, brother. सिकंदर की वफादारी अब उसके दुपट्टे से बंधी तुम हिला रही है, जिसका बयान तुम्हारी मौत का पैगाम है। तुम बकवास करती हो।
सिकंदर अंजलि कहाँ है? मैंने उसे आजाद कर दिया। किससे पूछकर? अपने दिल से। दीवाना तो नहीं हो क्या तू? तू जानता है ना वो मेरी मौत है और किसी की जिंदगी। मुझे अंजलि चाहिए सिकंदर। जाओ ढूंढो से आकाश में या पाताल में। नहीं नहीं आका, नहीं, उसे बख्श दो आका। मैंने हमेशा एक वफादार कुत्ते की तरह तुम्हारी खिदमत की है। जो तुमने मुझसे कराया मैंने किया, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूं, उसे बख्श दो आका। बख्श दो उसे? आज तू उसकी पैरवी कर रहा है जिसकी जिंदगी मेरी मौत है और तुझे एहसास हो गया कि तू एक कुत्ता है। लेकिन सिकंदर तू ये भूल गया कि तुझे रास्ते से उठाकर मैंने नई जिंदगी दी। तेरे सूखे होंठों को मैंने पानी दिया, तेरे भूखे पेट को मैंने रोटी दी। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, रोटी देकर मुझे रोटी छीनना सिखाया, जिंदगी देकर जिंदगी लेना सिखाया। तुमने मुझे इंसान नहीं जानवर बना दिया आका। बहना ठीक है दीदी, तू बदल गया है। उस कुतिया ने तुझे बदल दिया है, उस दो टके की छोकरी। नहीं आका, नमकाराम गद्दार, तूने मेरे सामने सर उठाने की जरूरत की? लगता है उस बदजात ने अपनी जवानी का जादू तुझ पर चला दिया है। बस आका, बस। क्यों, क्या कर लेगा तू? हा? मुझ पर हाथ उठाएगा? हा? मुझ पर हाथ उठाएगा? हा? मुझ पर, मुझे मारेगा? अपने आका पर हाथ उठाएगा, मारेगा मुझे? बस आका, उठा हाथ। नहीं, मार, मार मुझे, मार, मार मुझे, मार मुझे। सिकंदर तूने लाला के साथ बगावत की है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। ये जानकर भी कि मोहब्बत का अंजाम बर्बादी है, तबाही है, मौत है। हाँ लाला, जिसके मुंह से आज तक मेरे लिए आका के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकला, उसने आज मेरा नाम लेने की जरूरत की। हाँ चंगेज लाला, हाँ। मेरा खून नहीं, ये तेरा गंदा नमक है लाला, जो हमेशा के लिए मेरे बदन से निकल गया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। तो हराम जादे को पागल हो गया ये। Hey!
रीत की रीत सदा चली आई, रीत की रीत सदा चली आई, बस हीर मेरा झमरता है, हीर मेरा अपने भी हो गए तेरे, ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे। अंधियारों में तेरा मन था जोगन और मेरा दिल था रमता जोगी, मेरा दिल था रमता जोगी। और तुम लोगों से रोक तक नहीं सके। लाला वो हमें समझ में नहीं आता वो कहां से निकल आया, हमने तो चुप, पता नहीं ये हिजड़ों की टोली मैंने कहां से इकट्ठी कर ली। इससे पहले कि लोग मुझे तुम में से एक समझे, जाओ दावत का ऐलान करो, ज्योति भेजो, जमाना कहीं ये ना समझे कि चंगेज लाला एक लड़की से डर गया। जाओ। शाबाश करण, आखिर तुमने सबको गलत साबित कर दिया। नहीं सर, मैंने सिर्फ अपने दिल की धड़कन को साबित किया है। अब चंगेज लाला को फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं बचा सकता। अब बस कोर्ट की तारीख पक्की कीजिए। चंगेज लाला ने कहा था कि इस मुल्क में वो फौलाद नहीं बना है जिसे उसकी हथकड़ियां ढाली जा सके।
अब मैं उसे बताऊंगा किस मुल्क के फौलाद में कितना वजन है। चंगेज लाला। कौन? मैं वो मेहमान हूं जिसका तुम्हें इंतजार नहीं है। जो मेहमान जबरदस्ती मेरी महफिल में घुसाते हैं उन्हें मैं पसंद नहीं करता। मेरे और तुम्हारे बीच एक जंग बाकी है लाला, और आज वो जंग मैं तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाया हूं। ये तुम्हारी आखिरी महफिल है, इसलिए कोशिश करना कि सबसे बेहतरीन महफिल हो। जिसके कंधे का सहारा लेकर तू इतना चहक रहा है वो मेरे खौफ के मारे मेरे सामने तक नहीं आ सकती, मेरे आगे सर तक नहीं उठा सकती। तुम किसकी बात कर रहे हो लाला? अंजलि की? अंजलि, अंजलि, तुम मुझे इससे बेहतरीन तोहफा नहीं दे सकते थे। चलो अंजलि। नहीं। चलो आओ अंजलि, आओ। अपनी आंखें ऊपर करके मुझे देखोगी नहीं? अभी तो तुम सलामत हो, तू मुझसे बगावत करेगी? तू नहीं कर सकती क्योंकि तू एक बेचारी और कमजोर औरत है, और तेरे पास सब कुछ सर झुकाकर बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक जवाब है लाला। क्या? ये सिर्फ मेरा तमाचा नहीं है लाला, ये उस बेचारी औरत का तमाचा है जिसने कभी तुझे जन्म दिया होगा। ये हर उस औरत का तमाचा है जिसकी चूड़ियों को तुझ जैसा मर्द उसकी हथकड़ियां समझता है। उस औरत का जो अपने सुहाग के लिए सीता जैसा वनवास भी सह सकती है और दुर्गा का रूप भी अपना सकती है। चंगेज, ये मत भूल कि अभी तेरा दूसरा काल भी बाकी है। कल अदालत में तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलेगी। चलो। भूलना मत, कल ठीक 12 बजे। लाला, इतने मेहमानों के सामने उस लौट क्या? और अदालत तक पहुंचने वाले हर रास्ते गली गली कोने कोने चप्पे चप्पे पर चंगेज लाला के नाम की मोहर लगा दो। वो लड़की किसी भी कीमत पर अदालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। ओ, तो तुम उसे अब तक नहीं भूले? क्यों क्यों सिकंदर, क्यों? देखो सिकंदर, मेरे सीने को चीर के देखो, इसकी हर धड़कन को सुनो। क्या अंजलि का दिल तुम्हारे लिए यूं धड़कता है? क्या है उस अंजलि में जो मुझ में नहीं? दीवाने से दीवानगी का सबब ना पूछना, वो खुद नहीं जानता कि वो दीवाना क्यों है। दीवाना? तो फिर सुन दीवाने, मैंने तुझे जिंदा इसलिए नहीं रखा कि तू किसी और पे मिट जाए। कल अंजलि की जिंदगी का आखिरी दिन होगा सिकंदर, इसे पहले कि वो गवाही दे, मेरा भाई उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसकी बर्बादी मेरी आबादी होगी। ओ, मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी इबादत है। मैं लुट जाऊंगा लेकिन अपनी इबादत को लुटने नहीं दूंगा। आ,
पतंजलि पीछे जा। अंजलि, अंजलि तुम ठीक हो ना? हाँ करण, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहां से, गाड़ी ले जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूं। जाओ तुम लोग यहां से, अंजलि को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो, जाए लेकिन जा। अली हाँ, अपने गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे बचा ले अंजलि, मुझे बचा ले इसे मारने से, मुझे बचा ले अंजलि, मुझे बचा ले। आप गया
Thank you.